साइफर केस चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया गया। ऑफिशियल सीक्रेटेट की खसूसी अदालत आज ही फैसला सुनाएगी। जज अबुल हसनाजुलकरनैन ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। साइफर केस में असद उमर को रिलीफ मिल गया। दरख्वास्त जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर कर दी गई। एशिया कप के फाइनल तक रसाए, सूरत हाल डू एंड डाई। पाकिस्तान और श्रीलंका कोलंबो में कुछ देर बाद आमने सामने होंगे। बारिश के बायस मैच एक घंटा ताखीर का शिकार हो गया। फाइनल में भारत से टकराने के लिए पाकिस्तान को आज का मैच हर सूरत जीतना होगा। बारिश के बायस मैच बेनतीजा रहा तो श्रीलंका फाइनल में जाएगा। प्लेइंग कंडीशंस के मुताबिक वनडे मैच कम से कम 20 ओवर्स तक मुमकिन हो सकता। साइफर केस चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया गया। ऑफिशियल सीक्रेटेट की खसूसी अदालत आज ही फैसला सुनाएगी। जज अबुल हसनाजुलकरनैन ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। साइफर केस में असद उमर को रिलीफ मिल गया। दरख्वास्त जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर कर दी गई। एशिया कप के फाइनल तक रसाए, सूरत हाल डू एंड डाई। पाकिस्तान और श्रीलंका कोलंबो में कुछ देर बाद आमने सामने होंगे। बारिश के बायस मैच एक घंटा ताखीर का शिकार हो गया। फाइनल में भारत से टकराने के लिए पाकिस्तान को आज का मैच हर सूरत जीतना होगा। बारिश के बायस मैच बेनतीजा रहा तो श्रीलंका फाइनल में जाएगा। प्लेइंग कंडीशंस के मुताबिक वनडे मैच कम से कम 20 ओवर्स तक मुमकिन हो सकता।